What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video guys. And आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 Mega Ramp Challenge once again. And guys, बहुत ज़्यादा extreme level पे आज का Mega Ramp Challenge होने वाला है guys. क्योंकि यहाँ पर भाई अपने को multiple ramps देखने को मिलते हैं. And guys, इन ramps में से किसी भी ramp को यार आपको जो है मौत के रास्ते पर ले जा सकती है. तो basically आपको आराम से जाना पड़ेगा guys. फॉक्ट भाई, आप तो मजाक कर रहे हो bro. Mega ramps तो हमेशा ही मौत के रास्ते पर ले जाती है bro. अरे भाई ये देखा तूने, देख रहे हो गाइस, एक रैंप भाई रैंप ही खत्म हो गई बीच में. पूरा का पूरा स्कैम कर रहे हैं लोग. तो अभी हम लोगों को इस स्कैम को अवॉइड करते हुए जाना है एंड तक एंड बेसिकली अपनी बाइक को नीचे पहुंचाना है. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है गाइस, और वो ये है कि भाई अपन लोग बाइक तक को नीचे नहीं पहुंचा पा रहे. तो भाई गाड़ी को क्या नीचे पहुंचाऊंगा मैं? तो भाई ऐसे तो यार भरोसा ही रखना छोड़ दे इंसान अपने ऊपर. अरे भरोसा रखो दोस्त, लेकिन मैं ज्यादा भरोसा अपनी ग्लाइड पे करता हूँ. और गाइस ये देखो, ग्लाइड करते हुए कितना इजीली पहुंच गए, है ना आसान. अब भाई मेरे को बस यहाँ पर प्लेन बनना है एंड हमारा मिशन हो जाएगा कंप्लीट. ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर टर्न कर चुके हैं एक प्लेन के अंदर. लेकिन ये प्लेन को मैं ले कैसे जाऊं भाई? मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ गाइस, कहीं प्लेन ना टकरा जाए मेरे ऊपर ले जाते समय. ओके हो गया फाइनली. नाउ चलो टनल के अंदर से चलते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट, अपने को भाई एक्स्ट्रा स्टंट मारते हुए जाना है यार. ओके चॉप मेरे से आगे चला गया भाई स्टंटबाजी के चक्कर में. भाई बहुत बुरा नीचे गए हो भाई आप तो यार आगे चल रहे थे भाई, लेकिन अचानक से पीछे चले गए ब्रो. अरे पीछे चला तो गया हूँ मैं जरूर दोस्त, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा गाइस. ओके 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 ओके, बहुत तेज आ रहा हूँ मैं. अरे भैया स्कूल बस बना दिया भाई. रुको गाइस, रिस्पॉन लेना जरूरी है. इतनी तेजी में भाई अपन लोग के ब्रेक्स काम ही नहीं किया. इस नूबड़े को देखो भाई, क्या बात हो गया, तुमसे गाड़ी नहीं चल रही है क्या? लेफ्ट राइट मुड़ा ही नहीं पा रहे हो तुम तो. भाई मत पूछो मेरा हाल, बहुत बेदर्द हो चुका हूँ मैं. अरे अरे शायरी मारना बंद कर भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को बस यहाँ पे चलाने दे. ओके गाइस, तो बस बहुत भारी गाड़ी होती है, तो अगर ध्यान नहीं दिया तो ये देखो कैसे मैं नीचे जा रहा हूँ. वैसे ही जाओगे तुम भी? ओ भाई प्लीज बचा ले. अरे घंटा बचेगा ये भाई, एक बार आउट ऑफ कंट्रोल गया ना उसके बाद कुछ नहीं बचता भाई, चैप्टर ओवर हो जाता है दोस्तों. ओके चलो फिर से ट्राई करना पड़ेगा गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हो सकता है इस बार भगवान हमारे साथ आ जाए एंड अपन लोग उस पार चले जाए. चलो 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 चलो, काफी तेजी में जाना पड़ेगा दोस्तों. और ये एक शानदार जंप, फिर लैंडिंग, उसके बाद एक और जंप और फिर लैंडिंग. ओके फुटबॉल रास्ते से हट जा, चल छोड़े कलाइयो, अभी टाइम नहीं है तेरे लिए, नहीं तो भाई तेरे से तो जरूर लड़ता मैं. फॉक्ट भाई उस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा है भाई, उसको भी मारते हुए जा रहे हो ब्रो. अरे तेरे को कब से फुटबॉल की चिंता हो गई? ये देखो अपना भाई फुटबॉल की चिंता हो रही और अपनी गाड़ी कैसे ले जा रहा है कुदाते हुए. भाई साहब पूरा बस टेढ़ा हो गया भाई, मैंने अपने 20 साल की जिंदगी में आज तक बस को टेढ़ा होते हुए नहीं देखा गाइस, लेकिन इस बंदे ने भाई यहाँ पे वो कर दिया है जो मैंने देखा भी नहीं. अरे कहा मर गया? अबे भाई और चला ले रिवर्स. फॉक्ट भाई मैं तो स्वैग मार रहा था भाई, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला रैंप कब खत्म हो गया ब्रो. इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा कम स्वैग मारा करो दोस्त, नहीं तो स्वैग वाले ब्रो के जगह स्वैग वाले आंटी बन जाओगे. ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ पर फिर से जा रहे हैं उसी रास्ते के ऊपर. और यार अभी भी जो रैंप है ना बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ से भरी हुई है गाइस, एकदम कैसे तैसे जंप करा के मैं पहुंचा हूँ अभी नीचे. एंड देखो क्या ड्रिफ्ट मार रहे अपन. वाह भाई, मेरे को बिल्कुल ड्रिफ्ट मारने का शौक नहीं है दोस्त, प्लीज मेरे को चेक पॉइंट दे दो और मैं भाई अपने रास्ते पर चलता बनूंगा. वैसे भी ये चॉप बहुत तेजी से कैचअप कर रहा है भाई, एक बार ऑलरेडी आगे निकल चुका है, अब ये क्या नया चीज हो गया भाई. ये देखो गाड़ी पलट गई मेरी, अब ये उल्टी नहीं होगी, आई मीन सीधी नहीं होगी. ये देखो क्या हो रहा है, अबे सीधी हो जा भैंस. क्या चॉप, सुन भाई अब तेरे को लगता है मदद करनी पड़ेगी मेरी. फॉक्ट भाई मेरे से मदद की उम्मीद मत रखो ब्रो, मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी मदद क्या करूंगा भाई. अरे 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 इतना दुख कब से हो गया भाई तुम्हारी जिंदगी में? ये देखो बस लेके जा तो रहे हो सही से एकदम अच्छा भला खासा. खैर हटाओ इसको, अकेले छोड़ते हैं और हम लोग जाते हैं उस पार. अब उस पार से मेरा मतलब है बूस्टर के अंदर मेरे यार, क्योंकि बूस्टर से मिलेगा सुपर स्पीड. और गाइस एक और टास्क था आप लोगों के लिए, मैं बताना भूल गया. तो गाइस मैंने ना यार आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े हैं और बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स डिमांड्स किए थे हम लोगों से उस वीडियो में. तो मैं चाहता हूँ कुछ और गेम्स जो है आप आज की वीडियो में कमेंट करो जो आप चाहते हो मैं फ्यूचर में खेलूं. एंड हु नोस, क्या पता आपका बोला हुआ गेम हम लोग अगली वीडियो में लेके आए. एंड आई एम नॉट जोकिंग गाइस, बहुत सारे नए नए गेम्स हम लोग इस चैनल पे ट्राई करने वाले हैं. एंड सोच रहा था कि एक नया चैनल ओपन करूं मैं रिएक्शन वीडियोस के लिए. तो गाइस क्या लगता है आपको करना चाहिए? और उस पे गाइस अपन लोग फेस कैम करेंगे. ऑफ कोर्स भाई रिएक्शन होने वाला है तो फेस कैम तो होना जरूरी है ना दोस्तों. लेकिन भाई ये जो प्लान है ना इसको लेके मैं बहुत ज्यादा यार कंफ्यूज्ड हूं, मेरे को लग नहीं रहा है गाइस ऐसा करना चाहिए. तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फेस कैम चैनल खोलूं तो इस वीडियो के ऊपर लिटरली भाई 50,000 लाइक्स कर दो. और अगर आप लोग कर दोगे तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, इस वीक को खत्म होते होते या फिर अगली वीक में भाई अपन लोग फेस कैम रिएक्शन चैनल खोल देंगे एंड उसके ऊपर बेसिकली सब कुछ करेंगे. सिर्फ रिएक्शन चैनल नाम बोल रहा हूं तो सिर्फ रिएक्शन नहीं करूंगा भाई, बहुत सारी चीजें करने वाले अपन उसके अंदर, जैसे गेम्स हो गए सब कुछ
कुछ बेसिकली फेस कैम के साथ। आप लोग चाहते थे ना भाई कि मैं फेस कैम करूं, देखो यार इस चैनल पे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइज, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस मैं डेली रिकॉर्ड करता हूं ना कि आप लोग यार सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यार आई वांट यू गाइज कि फटाफट से लाइक मारो, 50,000 लाइक्स कर दो, एक वीक का गोल दे रहो, एक वीक के अंदर करना है, ज्यादा लेट कर दोगे ना भाई तो फिर काउंट नहीं होगा, तो एक वीक के अंदर करो गाइज। एंड क्या पता अब लोग सही में चैनल स्टार्ट कर दे। तो भाई क्या बात है भाई, मेरे को बुलाया नहीं आपने, अबे तू नहीं आ रहा है उस पे मैं ही आऊंगा ब्रो, याद रखियो वो चैनल पे गाइज सिर्फ अपुन आने वाला है, मजाक करो, हो सकता है चॉप को भी लेके आएंगे फ्यूचर में, बट यू नेवर नो, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड गाइज, क्या पता आप लोगों को एक ऐसा सरप्राइज मिले जिसकी आपको कोई उम्मीद भी ना हो। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा चिट चैट हो गई है, चलो फटाफट से चलते हैं और उस पोर्टल को लेते हैं। और हाँ बाय द वे कमेंट भी कर देना फेस कैम ओपी, जिससे मेरे को आपका थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी सपोर्ट देखने को मिले। ये लाइक वाला सपोर्ट भी भाई उतना लाइक समझ रहे हो ना, इसे समझ में नहीं आता है भाई बंदों को कि क्या पता यार अब बंदों ने कमेंट नहीं किया है, शायद उन लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, तो इसलिए मेक श्योर करना फेस कैम ओपी भी कमेंट में स्पैम कर दो, लाइक लिटरली स्पैम कर दो गाइस। ओके बहुत ज्यादा सेल्फ प्रमोशन हो गया, अभी भाई रेस पे फोकस करते हैं, सो लेट्स गो। ओके तो भाई अभी हम लोगों को सुपर कार मिली थी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाया, बट कोई बात नहीं, देखो पार हो गया ना, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। अरे ब्रेक लग जा भाई, क्या खा के मानेगा, थोड़ा और लंबा होता ना गाइज तो शायद ब्रेक लग जाता, लेकिन अफसोस आपके फ्रॉस्टी भाई ने अपना जान क्या भाई पूरा का पूरा बाजी लगा दिया, लेकिन फिर भी भाई ये गाड़ी नहीं रुकी। खैर हटाओ भाई, किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और ये चॉप आज कुछ ज्यादा ही हेड टू हेड नहीं लग रहा है भाई अपने से, भाई मेगा रैंप चैलेंजेस का बादशाह हूं मैं, वो तो आप कैसे आगे निकलो, आपकी किस्मत है ब्रो। अरे किस्मत नहीं है भाई, ये बदकिस्मती है कि आगे रहने के बावजूद मैं गिर जा रहा हूं और ये नूबड़ा पीछे रहने के बावजूद आगे पहुंच जाता है। ओके फिर से मैं सेकंड प्लेस पे आ गया, बट डोंट वरी गाइस, हम लोग अपने फर्स्ट पोजीशन को ऐसे चुटकियों में वापस ले लेंगे लिटरली। ओके लेट्स गो, देखते हैं, बस उम्मीद करता हूं कि चॉप जो है वो किसी तरह फिनिश तक ना पहुंचे, बाकी तो भाई अपन लोग संभाल ही लेंगे। ओके कुछ ज्यादा ही गाड़ी उछल रही है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा गाइस, कंट्रोल नहीं किया तो अपने भाई 9-2-11 हो जाएंगे। ओके ओके एंड लगता है दोस्तों अब कुछ नहीं रोक पाएगा अपने को, भाई चॉप फर्स्ट चला गया भाई। अरे यार रुक जाओ, कहां राइट फेंक रहे हो मेरे को भाई, पोर्टल के अंदर जाना है भाई साहब, टनल के बाहर फेंक देंगे ये लोग। चलो भाई चलो 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 चलो, ड्रिफ्ट मारते हुए घुस गया। ऑलराइट लेट्स गो, अब फटाफट से गाइस इस जेट को अंदर घुसाते हैं बूस्टर के, फिर यहां से बूस्ट मारते हैं, फिर आगे जाते हैं एंड सीधा सामने दो दो बूस्टर दिख रहे हैं। अरे भैया इन दोनों के बीच से गड्डी निकाल दो भाई, फुल स्पीड में वो भी, लेट्स गो। Okay, तो गाइज अब टाइम है अगले चेक पॉइंट का, और मैं एक काम करता हूँ लैंडिंग पहले ही कर लेता हूँ। ओ शिट रुक जा यस गाड़ी रुक गई गाइज, लेट्स गो, अभी मेरे को कलर चाहिए तो वी नीड टू रिस्पॉन, और अब चलते हैं फटाफट से आगे। अबे चॉप क्या कर रहा है, गाड़ी से क्यों निकला है तू, भाई रुको रुको कुछ देना है आपको। अबे चल बड़ा आया देना है, ये ग्रेनेड लेके आ रहा है भाई, ये देखो कैसे फूटा है भाई, ये ग्रेनेड कितना फालतू ग्रेनेड भाई, मैं सोच रहा था यार आप जब मेरे को उड़ाओगे तब फूट जाएगा, लेकिन फूटा है भाई बहुत लेट ब्रो। अरे मैं तेरे को मार के चला भी गया भाई और ये ग्रेनेड फूटते ही रह गया दोस्त। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कितना ही वाहियात ग्रेनेड है भाई चॉप का, एकदम इनएफेक्टिव है भाई ये ग्रेनेड। खैर हटाओ गाइस, हम लोगों को तो यहाँ पर भाई नीचे जाने का है, तो बस उतना कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। अरे यार एक तो ये मस्टैंग गाड़ी है ना भाई, इसीलिए पता है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन शायद उतना अच्छा नहीं है, अगर इसका भाई आगे का हिस्सा ज्यादा भारी ना होता ना तो अभी बहुत इजीली जाते, लेकिन इसका फ्रंट इतना ज्यादा हैवी है ना, उसके वजह से गाइस गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ झुक रही है, एंड अगर मैं थोड़ा सा काउंटर वेट देके बैलेंस नहीं करूंगा ना पिछले हिस्से पर, तो भाई गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी फ्रंट फ्लिप मार के एक्सप्लोड कर जाएगी, और वो भी अच्छी वाली फ्रंट फ्लिप नहीं होगी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ पूरे चिथड़े उड़ जाएंगे गाड़ी के। तो गाइस एक काम करता हूँ चलता हूँ भाई, वैसे भी फिनिश लाइन आ रही है, सो लेट्स गो। ऑलराइट भाई बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं फिनिश के, लेकिन गाड़ी की भाई बैंड बाजा बारात निकल चुकी है गाइज। ये गाड़ी एसयूवी गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन इतना पीटा है इसमें का रैंप ने इसको पकड़ करके कि भाई कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। देखो जरा देखो कितने जगह से डेंट पड़ा है भाई, इसको भंगार वाले को भी बेचने में जाऊंगा ना गाइज तो यार उल्टा वो मेरे से पैसे ले लेगा कि भैया ऐसी गाड़ी की रिपेयरिंग कराने में तो हमारा यार दुकान बिक जाएगा भाई। एक काम करो 1-2 करोड़ तुम हमें एक्स्ट्रा दे दो तुम, भाई 1-2 करोड़ लेगा भाई इससे अच्छा नई गाड़ी ले आओ ब्रो। अरे नहीं 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 दोस्त, अपन भाई अभी जा रहे फाइनल चेक पॉइंट को, लेंगे रेस को फिनिश करेंगे, फुल पैसे मिलेंगे जीतने के, विनिंग प्राइज मनी उसको मैं सेव अप करूंगा और उसके बाद खरीदेंगे जीटीएम में एक नई गाड़ी। दोस्तों वैसे भी बहुत टाइम हो गया है मेरे को एक नई गाड़ी लिए हुए, सोच रहा था अभी बहुत सारी नई नई गाड़ी आई है अपडेट में, तो क्यों ना एक ऑडी की
जो 10F है वो ली जाए। और ये देखो कैसे जा रहा है उड़ते हुए, चल नूबड़े, अबे सेम गाड़ी ले जा रहा है। भाई तू पिंक कलर की गाड़ियां यूज करता है ना, तू येलो कब से यूज करने लग गया ब्रो? फोर्ट भाई मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने जबरदस्ती दे दिया भाई, मैं क्या बताऊं फोर्ट भाई। अरे 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 बेचारा चौप। चलो कोई ना गाइस, वैसे भी आखिरी चेक पॉइंट के लिए लोगों ने एम्बुलेंस दिया है, अब देखना यह है कि भाई ये एम्बुलेंस खड़ी उतर पाती है या फिर नहीं हमारी जो लाख उम्मीदें हैं इसके लिए, और वो है एटलीस्ट एक बार में कंप्लीट कर जा भाई। ओके जबरदस्त जंप मार दिया भाई, ये मारा एक और जंप, ओ शिट फटाफटा वो बच गया भाई, साइडवेज जाके बचाओ मैं। ऑलराइट गाइस आराम से जाएंगे इस बार, ओहो जंप्स एकदम इजी पीजी तरीके से लेने जाना है। वो देखो चौप आ रहा है दूर से, फोर्ट भाई रास्ता खाली करो, अपुन आ रहा है फुल कारपेट बॉम्बिंग कर देगा ब्रो। अरे कारपेट बॉम्बिंग के बच्चे कल आइयो छोटे, अभी तेरे लिए टाइम नहीं है। वो बूस्टर मारते हुए निकल गया भाई बगल से। ऑलराइट लेट्स गो, एक और जंप, आराम से एक और जंप, और भाई अभी सही में फिनिश करने का टाइम आ गया गाइस, बहुत देर हो गया है। सो आई थिंक दैट इज इट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या करना है, फटाफट से सपोर्ट दिखाओ भाई, 50,000 लाइक्स मारो और हम लोग क्या पता सही में चैनल लेके आ जाएंगे भाई अगर आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।